बाकी इन लोगों ने किसी ने कसर नहीं, मेरी ननंद, मेरी सास, मेरी मेरे हस्बैंड, मेरे ननंद का जो छोटा बच्चा था उसको भी बोला कि तू तू सामान बाहर रख, तो के निकलवाए, मेरी नाक की जो काटा होता है ना वो भी निकलवाया। अब आप यहाँ पे ऐसे कि नाक का काटा कब निकालते हैं, आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि हस्बैंड। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको ना मौसम का हाल दिखा देती हूँ। ये देखो मौसम हो रहा है बहुत ही बढ़िया, और इधर देखो इधर हरियाली, इधर मैं घूम के दिखाऊँ आपको तो पीछे भी हरी हरियाली, मतलब यहाँ आने के बाद है ना मन थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। और नीचे मैं आपको ना थोड़ा सा मेरे वाले बगीचे का भी व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो आप कितना हरा भरा है, और ये हमारे कपड़े धुल गए थे तो ये यहीं पे लटक गए, और ऊपर से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जो बेल मैंने ऊपर चढ़ा रखी है ना वो ये इसके ऊपर आ गई, और इसमें कुछ फल फ्लावर होने स्टार्ट हो गए। तो अभी वो ये जो बेल आप देख रहे हो ना ये वो है, इसमें जो स्क्रब बनता है, मतलब इसकी जो ककड़ी निकलती है ना उससे स्क्रब बनता है, तो मैं बना के भी बताऊँगी। चलो अब जो है मैं आपको कंटिन्यू करूँगी और मैं आगे की चीज़ें आपको बताऊँगी। अच्छा आप सब बोलोगे कि मैं यहीं बैठ के वीडियो क्यों बनाती हूँ, तो यहाँ पे एक तो मेरा कंफर्ट जोन आ जाता है क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ें मैं नीचे बैठ के बोलती हूँ ना तो थोड़ा लगता है कि शायद हैप्पी सुनेगा, शायद पापा सुनेगा, तो मुझे ना सही नहीं लगता, तो इसीलिए मैं ऊपर आ जाती हूँ। और मैं धीरे धीरे व्लॉग भी डालूँगी, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक कमेंट जो आया था, सबसे पहले मैं उसका जवाब दे दूँ कि अगर पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी, तो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है और तो अनपढ़ लड़कियों के साथ कैसा होता होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, एक ही बात है, जानवरों के लिए हम कोई मायने नहीं रखते कि हम पढ़े लिखे हैं कि हम अनपढ़ हैं, ठीक है। और मेरी जब शादी हुई तब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं मात्र 10वीं पास की थी, मैंने 12th BA BEd ये सब मैंने बाद में की ही, मेरी डिग्रियाँ मैंने बाद में ली हैं और वो किसी की मेहरबानी नहीं है, मेरी पढ़ाई है और माँ बाप का पैसा है तब जाके मेरी डिग्री हाथ में आई है, ठीक है। उनका उनका दिया हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेइज्जती और जिल्लत के अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है ठीक है। तो उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही, वैसे मैंने कमेंट में भी जवाब दिया था पर मैंने सोचा कि यहाँ भी एक बार जवाब दे दूँ उनको, ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि इन्होंने 7 मंथ में मेरे को क्यों निकाला। इसलिए इन्होंने मुझे 7 मंथ में क्यों निकाला, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी वापस। तो इसलिए निकाला क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि तू बोल दे कि मैं आना नहीं चाहती। मैं इस बात पर अड़ गई कि मैं नहीं बोलूँगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलने वाली, मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आपको भेजना है भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लान बनाया कि इसके साथ अगर ऐसा करेंगे ना तो ये बोलेगी कि ठीक है मत भेजो पर ऐसा मत करो। इन्होंने क्या किया, मेरे जो बर्तन थे दहेज के, जो हर जगह शायद थोड़े मोड़े बर्तन तो सभी देते हैं, दहेज बंद है फिर भी माँ बाप कुछ बर्तन है कुछ, तो मेरे एक ना बड़ा सा क्या बोलूँ उसको, अटैची, मजू मजू बोलते हैं ना जिसको, मजू या फिर लोहे का बक्सा, काफ़ी ऐसे बड़ा था, 5 फुट लगभग उसकी हाइट, 5 फुट उसकी, मतलब काफ़ी इतना बड़ा था, मुझे इतना वो नहीं है, मैं साइज़ में आपको नहीं बता सकती, पर आप ऐसा समझ लो कि इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं, ऐसा मेरे को एक ट्रंक दिया था, ट्रंक कहते उसको, सॉरी मेरे याद आ गया, तो वो ट्रंक दिया हुआ था ना। तो इन्होंने क्या किया, वो दोनों भाई बहन पकड़ के लेके आए, मेरे हस्बैंड और मेरी ननंद, और वो ट्रंक बाहर रखा। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे जो घड़े थे ना पानी भरने के, वो घड़े ऐसे चौक में फेंके, ऐसे जैसे फेंके फणन फणन, फिर उन्होंने बर्तन प्लेटें कटोरियाँ इस तरीके से फेंकनी शुरू कर दी कि अगर तुझे जाना है तो जा, ये तेरे बर्तन भी मैं भरवा रहा हूँ और तू लेके, मतलब एक लाइक धमकी है ना।
और मैं वहाँ पे लिटरली मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि मतलब मैं ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे ऐसे कर रहे ये लोग, इतने माँ बेटे फणाफण बर्तन, सिर्फ मेरा एक ससुर था उसने मेरे बर्तन को हाथ नहीं लगाया, बाकी इन लोगों ने किसी ने कसर नहीं, मेरी ननद, मेरी सास, मेरे हस्बैंड ननद का जो छोटा बच्चा था उसको भी बोला कि तू सामान बाहर रख, तो वो भी जरा छोटा सा था उस टाइम, 12-13 साल का था, वो भी उठा, वो तो बालक है, उसको मैं दोष दे ही नहीं रही, तो उसने भी बर्तन ला के रखने शुरू कर दिए। ठीक है, इन्होंने ये चाल चली, जैसे ही इन्होंने चाल चली और मैं रोने लगी, और टाइम हो रहा था समथिंग 7:30, मतलब यही शाम का टाइम ही था, तो मैंने कहा कि ऐसे मत करो, आप बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं उनको बोल नहीं सकती, बस मेरा इतना ही पॉइंट है कि मैं नहीं बोल सकती कि मैं नहीं आऊंगी, मैं कैसे बोलूं यार मेरी मम्मी को पापा को, मैं कैसे बोलूं। इन्होंने मेरे बर्तन तो फेंकने, मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ। अभी भी उसको उम्मीद थी कि हम सब इतना करेंगे तो ये बोलेगी कि मैं अब बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं बोला, मैं अब बोल रही हूँ, मेरे बर्तन मत फेंको, आप मेरे को मत मारो, ऐसा। मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकती, मेरे को माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ के यहाँ माफ़ी मांग सकती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ आप नहीं भेजोगे, मैं नहीं जाऊँगी, इतना मेरा वादा है कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कि मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, वहाँ पर वो बात हो गई ख़त्म। फिर इन्होंने माँ बेटा ने सोचा होगा प्लान कैसे आगे क्रिएट करना है, वो चीज़ है ना, तो इन्होंने सडनली ये खाना खा के उठाए, मैं तो टेंशन में थी, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं अपने कमरे में बैठ गई, मैंने कहा बर्तन हो जाएंगे, जब सब खाना खा लेंगे बर्तन हो जाएंगे, बर्तन मैं मेरे किचन साफ करके अंदर आके बैठ गई। इन्होंने क्या किया कि माँ बहनों ने एक प्लान बनाया कि इसको कैसे अब यहाँ से रवाना करना है ताकि इसको लगे कि मेरी गलती है और मेरी गलती की वजह से ये मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया, फिर इन्होंने बोला कि चल चल तेरे को छोड़ के आते। तो मैंने कहा कि अब रात को नहीं जाऊँगी मैं, क्यों कि रात को मेरे को एकदम मैं घर पे जाऊँगी तो कैसे नहीं चलेगा। इन्होंने को कि जब मेरे को यहाँ इन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले मेरे हस्बैंड और मैं रूम में गए और मैंने उनको बोला कि आप ऐसा मत करो भाई, ठीक है आप ऐसे मत करो, रात को मैं कहाँ जाऊँगी और रात को मैं एकदम घर जाऊँगी तो घर वालों को भी टेंशन होगी, तो उस जानवर ने, मैं उसको क्या बोलूँ, गाली दे दूँगी तो शायद मुझे पाप नहीं लगा, उसने मेरी प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहन रखी थी मैंने हाथ में, हमारे चूड़ा पहनते ना वो प्लास्टिक का, प्लास्टिक या कोई और मटेरियल होता होगा, वो चूड़ियाँ निकलवाई, मेरे कान के निकलवाए, मेरी नाक की जो काटा होता है ना वो भी निकलवाया। अब आप यहाँ पे ऐसे कि नाक का काटा कब निकालते हैं, आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि हस्बैंड नहीं रहता है ना, तब हमारे राजस्थान में तो ऐसा रिवाज है कि हस्बैंड नहीं रहता तब जाके आप नाक का काटा निकालते हो, उससे पहले आपको निकालने के लिए कोई, अगर गलती से भी आपने नाक साफ कर रहे हो निकाल के रख दिया ना तो लोग आपको बोलेंगे कि नाक का काटा कहाँ है, ठीक है, जिसको फीणी कहते हैं आम भाषा में, फीणी कहते हैं है ना, नोज़पिन या फीणी, नोज़पिन बाद में चला है, फीणी कहते हैं, तो ये भी निकाल के मेरा निकाल के ले लिया, कान के निकाल लिए, मेरे गले की, गले में वो मैं पहनती थी एक छोटा सा जैसे, वो भी निकाल लिया, मंगलसूत्र था वो सम्मेलन से हमको मिला था एक छोटा सा, वो भी निकाल, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम मेरे को ऐसे पहने कपड़े कर दिया और फिर मेरे को इसने गाड़ी में बिठाया। उन्होंने मेरे को गाड़ी में कैसे डाला पता है, फोर व्हीलर गाड़ी है, इतना गरीब है, फोर व्हीलर गाड़ी का मालिक है, ठीक है, वो स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने मुझे गाड़ी में ऐसे डाला जैसे कोई कैदी को पकड़ के डाल रहे हो ना ऐसे, दोनों हाथों से, एक साइड से बहन ने पकड़ा, एक साइड से हस्बैंड ने पकड़ा, और माँ आगे वाली सीट पर जाके बैठी और मेरे को पीछे वाली सीट पे धक्का मार के मेरी ननद साथ में बैठी और ये ड्राइविंग सीट पे बैठा, और इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे गाड़ी में डाला है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, 7 मंथ प्रेग्नेंट में आपको पता है ना पेट कितना निकल जाता है,
लगभग लगभग बच्चा दिखने लग जाता है कि भाई ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल हो गई, सॉरी गाइस, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मैं वहाँ से मेरे को लेके आ गई। और मुझे बार बार ऐसा हो रहा था ना कि मैं ना दरवाज़ा खोल के, क्योंकि मैं एक खिड़की पास मेरी ननंद बैठी थी और एक खिड़की पास मैं बैठी थी, मुझे बार बार ऐसा हो रहा था ना कि मैं गाड़ी दरवाज़ा खोल के मैं गिर जाती हूँ। अगर मैं गिर जाऊँगी तब तो मेरे लग जाएगी, तब तो ये लेके जाएंगे वापस घर पर। लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाई, क्योंकि जा कोरा के साइयाँ मार सके ना कोई। मेरे साथ वही सीन हुआ कि मेरे को लिटरली इतनी नींद आने लगी, इतनी नींद आने लगी कि मेरे ससुराल से मेरे घर का रास्ता 2 घंटे का है, मेरे को 2 घंटे तक नींद ही आई। जैसे मैं मतलब शायद गाड़ी में बैठी हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट तक मेरे दिमाग में ये चीज़ें चली, फिर मुझे नींद आने लगी। नींद नींद नींद, इतनी नींद कि मतलब मैं कब वहाँ पहुँची। और इन्होंने क्या किया, बस स्टैंड पे मेरे को उतार दिया। मेरे गांव का जो बस स्टैंड है, चौराया है, मतलब बस स्टैंड इधर पड़ता है 1 किलोमीटर दूर और चौराया उधर पड़ता है 1 किलो, मतलब दोनों के बीच 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इन्होंने वहाँ पे मुझे उतार दिया। माँ बेटा और इस मेरी ननंद, इसकी बहन। और माँ क्या कहती है पता है, जब ये साथ बैठे ना तो कहती है बेटे का नाम लेके, कहती है मेरी तो बोतल और ग्लास ले लेना भाई, आऊँगी तब तक मेरे तो टाइम हो जाएगा। फिर मैं मतलब 9, यानी कि शायद हम लोग आए तब तक 9:30 बज गए थे, शायद 10 बज गए, मुझे इतना याद भी नहीं है। तो अपनी बोतल और ग्लास साथ रखवा ली ताकि मैं पी सकूँ। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मेरे को वहाँ से कौन घर पे लाया, मैं आपको वो स्टोरी भी बताऊँगी। इन्हें शर्म नहीं है कि हम इसको प्रेग्नेंट को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। कुछ भी शर्म तो है, वैसे है ही नहीं इसमें, ये कोई कहने की बात नहीं है। मतलब ये तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास शर्म नहीं है, इस चीज़ को तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो इसने वहाँ पर छोड़ दिया, और वहाँ से मुझे कौन लेके आया ये चीज़ मैं आपको कल बताऊँगी, क्योंकि मेरा Sorry guys.